नारी शिक्षा एक आवश्यकता। क्यों बार बार नारी के अधिकारों का बलात्कार होता है? क्यों बार बार दुनिया के ठेकेदारों द्वारा नारी के खुशियों का कत्ल होता है? क्यों बार बार उसकी आंसुओं की दास्ता एक झूठी कहानी बनकर रह जाती है? और क्यों बार बार यही कहा जाता है, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध आंखों में पानी। परंतु आज क्या नारी अबला रह गई है? क्या आंखों में आंसू ही उसकी जीवन की गाथा है? क्या अज्ञानता, आहों का जलजला और कराहों का सिलसिला से ही विधाता ने नारी का भाग्य लेख लिखा है? भाग्य की विडंबना तो देखिए, जिस नारी को मनु ने पूजा के पात्र बतलाया, जिसके अभाव में अनुष्ठान अपूर्ण रह जाता था, आज उसी मनु की संतान ने नारी को अज्ञानता के गर्भ में ढकेलकर नारी को नरक की खान बनाकर रख दिया है। अतः इन सारी समस्याओं का एक और मात्र एक जड़ है, नारी शिक्षा का अभाव। अतः किसी ने क्या खूब लिखा है, विद्या पुरुषों के भी तब तक ना काम आएगी, अधांगियों को भी सुशिक्षा जब तक ना दी जाएगी। आज के आधुनिक युग में जब नारी केवल नर की इच्छाओं की दासी न होकर अपने सपनों की सेज सजाने का हक चाहती है, तो नारी की इस मधुर कल्पना की पूर्ति केवल नारी शिक्षा से ही संभव है। आज के इस बदलते युग में समाज को आवश्यकता है तो केवल नारी शिक्षा की, और नारी शिक्षा के बिना किसी भी समाज की उन्नति केवल एक कोरा सपना बनकर रह जाएगा। अगर एक नारी शिक्षित होती है तो आने वाली 7 पुश्तें शिक्षित होंगी। आज जबकि नारी शिक्षा एक आवश्यकता बन गई है तो नारी को भी शिक्षा देना प्रारंभ कर दिया गया है। इस प्रारंभिक अवस्था में ही नारी ने सिद्ध कर दिया है कि वह हर काम को हर क्षेत्र में पुरुष से बेहतर कर सकती है। अब नारी न तो अबला रह गई है और न ही आंखों में पानी उसकी गाथा। इसका उदाहरण है इंदिरा गांधी, जिसने राजनीति में भी अपना सिक्का हमेशा से ही जमाए रखा। जॉन ऑफ आर्क भी एक महिला ही थी, जिसने इंग्लैंड फ्रांस युद्ध में अपने बल पर फ्रांस के सर पर विजय का सहरा बांधा और यह सिद्ध कर दिया कि नारी युद्ध के मैदान में भी पुरुषों से कम नहीं। ऐश्वर्या राय, सुष्मिता सेन, प्रियंका चोपड़ा जैसी नारियों ने विश्व रंगमंच पर नारी की गरिमा को और भी बढ़ा दिया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि नारी सिर्फ शिक्षा द्वारा ही अपने लक्ष्यों को पा सकती है। भारतीय नारी इस पुरुष प्रधान समाज में अपने अधिकारों को यूं ही लूटने नहीं दे सकती है। हमारी सभ्यता में जहां एक ओर नारी अपनी ममता की जहनवी से अपने परिवार को जन्नत बना देती है, तो वहीं दूसरी ओर शिक्षित नारियों ने अपने कर्मयोग्य के बल पर भारतीय इतिहास में कई सुनहले अंक जोड़े हैं। अतः कुल मिला जुला कर हम कह सकते हैं कि नारी शिक्षा ही एकमात्र साधन है जिससे नारी का पूर्ण उत्थान संभव है। नर और नारी एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से किसी एक के बिना सृष्टि की कल्पना अधूरी रह जाएगी। जीवन का पहिया तब तक ही चल सकता है जब तक नर नारी एक दूसरे को सहयोग दे। सृष्टि जिसके गर्भ से जन्मी, उसे ही सृष्टि से अनजान रखना कहाँ का इंसाफ है। नारी को अज्ञानता के भंवर में रखना एक गुनाह है। अतः नारी शिक्षा परिवार समाज और देश के उत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक है। नारी तुम तो जननी सृष्टि की, नारी तुम तो अर्धांगिनी पुरुषों की, फिर तुम्हारे साथ ही अत्याचार क्यों? हमारे ही समाज में नारी शिक्षा का अभाव क्यों?